हरिओम, जय गुरुदेव। मित्रों, द केरला स्टोरी बहुत ही चर्चा में है और अब बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों द्वारा। इस फिल्म को बड़ा जबरदस्त फिल्म बनाई गई है और हमारा आज का विषय यही है। उस फिल्म का एक डायलॉग बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत जबरदस्त, और वो डायलॉग जो है वही एक बहुत बड़ी शिक्षा है पूरे हिंदू समाज के लिए। क्या कहती है वो अभिनेत्री, वो नायिका अपने पिता से? आप सब तक वो पहुंच गया होगा, आप में से कई ने फिल्म देखी भी है, देख ली होगी। जिन्होंने नहीं भी देखी तो उन तक वो डायलॉग पहुंच गया है। सबसे महत्वपूर्ण डायलॉग फिल्म का वो अपने पिता से कहती है। क्या कहती है कि गलती तो आपकी भी है, आपने मुझे धर्म का ज्ञान नहीं दिया, धर्म शिक्षा नहीं दी, ऐसा कुछ डायलॉग है वो। बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। ये देखिए, अभी इस वीडियो में मैं आपको पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू, इनके एक महत्वपूर्ण ऑडियो क्लिप भी सुनाने वाला हूँ लव जिहाद के बारे में। और एक बात आपसे कहना चाहूँ कि जितने भी हिंदुत्ववादी संगठन आज लव जिहाद के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, सबको साधुवाद है, सबको बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन इसकी शुरुआत लव जिहाद को सामने लाने की, लव जिहाद नाम का भी कुछ है ये सबसे पहले यदि दुनिया के सामने किसने लाया होगा तो वो है सनातन संस्था का जो संगठन है, हिंदू जन जागृति समिति, ये उन्होंने लाया है बरसों पहले, ये मैं जानता हूं। मित्रों, उन्होंने बढ़िया ग्रंथ भी इस पे पब्लिश किया है, उस समय से वो प्रचार कर रहे हैं इसका, लव जिहाद का। देखिए, अभी तो मेरे पास इसका गुजराती एडिशन है, मेरे पास हिंदी में भी है, लव जिहाद का ग्रंथ है। मेरी जो पर्सनल लाइब्रेरी है अपने घर की, उसमें कई सारे ग्रंथ है, हमारे आश्रम के, रामकृष्ण मिशन के, जो बचपन से मैं सब पढ़ते आ रहा हूँ, सारे उसमें भरे हैं। तो उसमें मुझे वो ग्रंथ अभी ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा लव जिहाद का, लेकिन ये गुजराती ग्रंथ मेरे पास ऊपर रखा है। तो कई भाषाओं में इन्होंने ये पब्लिश किया है, हिंदी, मराठी, गुजराती, कई भाषाओं में। तो हिंदी का भी है मेरे पास और ये गुजराती का भी है, ये अभी मेरे पास ऊपर उपलब्ध था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लव जिहाद। अब देखिए, ये हिंदू जन जागृति समिति ने, ये लव जिहाद का जो गुजराती में किताब है इनका, ये इन्होंने पब्लिश किया है, मतलब इसका जो फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया वो किया है 24 जून 2011 को। तो 12 साल तो इस गुजराती ग्रंथों को हो गए और बाकी जो भाषाओं में इन्होंने प्रकाशित किया उसके पहले के, कई वर्षों से इसमें वे लगे है। लव जिहाद न केवल ग्रंथ द्वारा प्रचार किया, न केवल ग्रंथ द्वारा जगाया, बल्कि कई उस चक्रव्यूह में फंसी हुई हमारी हिंदू बहन बेटियों को सफलतापूर्वक वहां से बाहर भी लेकर आए, उनको अपने घर सुरक्षित पहुंचाने का कार्य भी हिंदू जन जागृति समिति ने बहुत अच्छे रूप से किया है, बहुत बहनों को इन्होंने बचाया है। तो ये काम भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है हिंदू जन जागृति समिति ने। और एक बात मैं और खास कहूंगा इस विषय में, एक बात कहना चाहूंगा कि मुस्लिमों की एक बात बहुत ही अच्छी है, बहुत, चाहे मेरे इस बात से कोई सहमत हो चाहे ना हो। अब वो क्या बात है, तो देखिए, ये जो हिजाब का प्रचार करते हैं, देखिए अभी हमको बापूजी की भी एक ऑडियो क्लिप सुनना है, उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण चर्चा मैं आपसे करूं कि तुम नकाब में रहो दुनिया औकात में रहेगी, हर कीमती चीज पर्दे में होती है और कूड़ा हमेशा खुले में होता है। ये आज ही व्हाट्सएप में मुझे मिली है पोस्ट, तो देखो इस तरीके से अगर वो प्रचार कर रहे हैं, देखिए आप उनकी बहनों को देखिए, उनकी महिलाओं को, उनकी बहन बेटी माताओं को उनकी देखिए, वो हिजाब पहनती है, वो बुर्का पहनती है। हिजाब और बुर्के का मैं समर्थन नहीं करूंगा, कतई नहीं, हम तो हमारी बहनों से कहेंगे ही नहीं कि आप ये पहनो। लेकिन अगर हमारी कोई बहनें कहती भी है कि भाई वो काला बुर्का पहनती है तुम भगवा बुर्का पहनेंगी, वो काला हिजाब पहनती है हम भगवा हिजाब पहनेंगी, तो अगर हमारी बहन बेटी भी कहेंगे तो हम उनको मना करेंगे कि आपको इतनी परतंत्रता में, आपको 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 स्वतंत्रता से जीना है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, हम कहेंगे। लेकिन ये कैसी स्वतंत्रता, आप ऐसे कपड़े कैसे पहन सकते हो कि जो तुम्हारी नारीत्व का अपमान कर रहे, तुम स्वयं इस तरह के कपड़े पहन के अपने नारीत्व का अपमान कर रही हो। सनातन संस्कृति में नारी को बड़ा पूज्य भाव है, नारी के प्रति बड़ा सम्मान होता है, नारी को देवी मानकर उसकी पूजा की जाती है हमारे सनातन धर्म में। और वही नारी अगर इस तरीके से
इस तरीके के भद्दे कपड़े पहनने लग जाए। अंग प्रदर्शन करती है हमारी बहन बेटियां, अधिकतर, सभी नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन आजकल आप कपड़े देखिए किस तरीके के पहने जा रहे हैं। अब मैं और अधिक कुछ इस पे बोलूंगा तो विरोध शुरू हो जाएगा। खैर, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूं, लेकिन जब कोई बड़ी व्यक्ति, जब कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति हमारे देश की जब इस पर कुछ बोलती है, इस पर कोई टिप्पणी करती है, तो तुरंत सोशल मीडिया में सब शुरू हो जाते हैं, उसको ट्रोल करना शुरू हो जाते हैं, मीडिया में खबरें शुरू हो जाती है और उनकी निंदा शुरू हो जाती है, आपत्ति जताई जाती है उनके उन बयान पर कि आपने कैसे बहनों के कपड़ों को लेकर बात कर दी। बहनों को आज़ादी है, वो चाहे जैसे कपड़े पहने, आपको बोलने का क्या अधिकार। लेकिन मित्रों, जहाँ मैं हिंदू जन जागृति की बात जब मैंने अभी की, तो आप देखिए सनातन संस्था की जो भी साधिका है, जो भी कार्यकर्ता बहने हैं उनकी, हिंदू जन जागृति समिति की, उनको आप देखिए, उनका वो वस्त्र देखिए, एक एक बड़ा पूज्य भाव हो जाता है जब उनके कपड़े देखिए, उनके बोलने की शैली देखिए, लगता है कि ये हमारे भारत की नारी है, ये हमारे हिंदुस्तान की बेटी है, ये हमारी माता है, ये देवी है, ऐसा लगता ही नहीं लगता। देखिए आप, एक भाई मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ से कि एक भी साधिका मुझे ऐसी दिखा दीजिए कि जो वीडियो के लिए, जब कोई वीडियो बनाना हो तो साड़ी पहनकर बैठ जाती है, जब कोई सत्संग की बात हो, सत्संग में हो, कहीं जो कोई सभा में बोल रही हो तो साड़ी पहन के आ जाती है, और जब किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाती है तो वहाँ जीन्स पैंट पहन कर जाती है, या पड़ोसी के यहाँ जब वो बर्थडे पार्टी में हाजिरी लगाती है तो वहाँ वो टी शर्ट पहन लेती है, लिपस्टिक लगा लेती है। एक उदाहरण तो दिखाइए मुझे, चैलेंज करता हूं सनातन संस्था की एक भी साधिका मुझे ऐसी दिखा दीजिए। मित्रों, सच्चा साधक वही होता है, गुरु का सच्चा शिष्य वही होता है कि जो पार्ट टाइम नहीं करता साधना, पार्ट टाइम गुरु के सिद्धांतों को पालन करेगा, पार्ट टाइम ऐसा नहीं होता, फुल टाइम, एक एक पल, जीवन का हर पल, 24 घंटे वो कोशिश करता है, पूर्ण तन मन धन से प्रयास करता है कि मैं गुरु के सिद्धांतों का पालन करूं। सनातन के साधक, सनातन संस्था के साधक भी 2400 घंटे साधक बनकर जीते हैं, ये होता है साधक। इधर तो आप सेल्फी लगा दोगे गुरु के, गुरुदेव के दरबार में खड़े रहकर कि हम गुरु के दरबार में आए हैं, बढ़िया सेल्फी, और फेसबुक पे पोस्ट कर दोगे कि हम कितने बड़े गुरु के दीवाने हैं, और उधर फिर इंस्टाग्राम पे जाके फिल्मी गीत पे डांस कर लोगे जींस पैंट और टी शर्ट पहनकर। ये बड़ा दुख होता है, ये सब देखते हुए बड़ा पीड़ा होता है, बड़ी 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 पीड़ा होती है। ये गुरु के सिद्धांतों का पालन करना नहीं हुआ। जरूरी नहीं है साड़ी ही पहनना चाहिए, पंजाबी ड्रेस, सिंधी ड्रेस, सलवार कुर्ती है ना, कई तरह के ड्रेस हमारे सनातन संस्कृति में है, सलवार सूट वगैरह क्या बोलते हैं अभी मुझे इतना सब नहीं पता, पर जो भी होते हैं ड्रेस ऐसे कि आप वो पहनो तो लगता है कि नहीं ये हमारी हिंदुस्तानी बेटी है, भारतीय नारी है। पहले बढ़िया यहाँ गले तक ड्रेस होता था, फिर भी ओढ़नी लेते थे, अब ओढ़नी तो गायब ही हो गई और ड्रेस भी नीचे चले गया थोड़ा, गले तक नहीं होता, पूरा खुला रखते। क्या क्या जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या, ये आजादी है आपकी, ये स्वतंत्रता है आपकी, ये है। वो मुस्लिमों की ये बात बड़ी पसंद आई। एक मैं आपको अभी पूछे बापू जी का एक ऑडियो हमको यहाँ सुनना है, उसके पहले एक पोस्ट में आपको और दिखा दूं, बड़ा सुंदर किसी ने बनाया है। देखिए, मैंने अपने फेसबुक पे, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में, व्हाट्सएप के स्टेटस में कई जगह आज ये शेयर किया था। हिंदुओं की स्थिति का इससे अच्छा चित्रात्मक वर्णन नहीं हो सकता। देखिए, उनका सब छुपा है पर आंखें खुली है, हमारा सब खुला है पर आंखें बंद है। कितना सुंदर बनाया बनाने वाले ने। मुस्लिम बहन जो बताई है उसके आंखें खुली है और उसके आंखों का जितना हिस्सा खुला है बराबर की उतनी ही पट्टी हिंदू बहन की आंखों पर दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसी का हिस्सा इसके आंखों पर आ गया है, वहां से निकलकर यहाँ चिपक गया है, खुलकर यहाँ आ गया है। कितना सुंदर कल्पना, मतलब ये सच्चाई है, ये वास्तव है। बड़ा एक एक आप वो डायलॉग तो जरूर कि आपने मुझे धर्म ज्ञान क्यों नहीं दिया, धर्म की शिक्षा क्यों नहीं दी, वो जो डायलॉग है। और देखिए यही बात पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने बरसों पहले कही थी,
और बापू जी तो ब्रह्म ज्ञानी अवतारी महापुरुष है, वो तो उनको तो सब क्या, वो तो त्रिकालदर्शी पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की बात कर रहा हूँ। उनका ऑडियो अभी हम यहाँ सुनेंगे, उनकी अमृतवाणी हम श्रवण करेंगे, वो आवाज से पता चलता है कि कितना पुराना वो ऑडियो होगा। ये अभी 2-4-5-10 साल में का नहीं है, बापू जी को तो जेल में आज 10 साल हो गए, और इसीलिए तो बापू जी को जेल भेजा गया। देखिए कि जो हमारे बहन बेटियों को धर्म शिक्षा दे रहे हैं, उनको सही राह दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र करके साजिश करके उनको जेल भेजा गया, और आज हमारे हिंदू ही उनका मजाक उड़ाते हैं। इमाम बुखारी जामा मस्जिद के जो इमाम बुखारी, बापू जी पर आरोप लगने से पहले ही उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट 67 गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ जारी किए गए, उनको अरेस्ट नहीं किया गया। पुलिस ने न्यायालय में लिख कर दे दिया कि इमाम बुखारी को हाथ लगाएंगे तो पूरे देश में दंगे हो जाएंगे, वो आजाद। और एक एक कई मैंने अपने वीडियो में भी पहले ये बात रखी थी, और खुले मंच से भी ये बात कई बार मैंने कही है। हिंदू अधिवेशन भी हुआ हमारे सनातन संस्था का, हिंदू जन जागृति समिति द्वारा आयोजित हिंदू अधिवेशन में मुझे अवसर मिला वक्तव्य रखने का, वहां भी मैंने बात कही। सब हिंदुत्ववादी जो वहां कार्यकर्ता सब उपस्थित थे उनके सामने बात मैंने रखी कि एक 2013 में एक वकील ने कहा था कि आपके बापू जी निर्दोष है, उनको फंसाया गया, ये बात तो हम भी मानते हैं, मुस्लिम वकील कह रहे, लेकिन आप ये सब सुप्रचार की किताबें और ये सब सीढ़ी वीढ़ी बांटना छोड़ो। 2013 में उस समय सीढ़ी बांट रहे थे, तब कहाँ इतना सोशल मीडिया था, यूट्यूब इतना नहीं एक्टिव थे, तो सीढ़ी बांट रहे थे, सीढ़ी दे रहे थे सबको कि देखिए सच्चाई क्या है। तब उस मुस्लिम वकील ने कहा कि आप ये सीढ़ी वीढ़ी बांटना छोड़ो, बापू जी से जाकर कहो कि आप इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाओ, आपके बापू जी 10 मिनट में बाहर आ जाएंगे। अरे लाखों लाखों लोगों की घर वापसी जिन्होंने करवाई, धर्मांतरित होने से जिन्होंने बचाया कईयों को, वे बापू भला इस्लाम कबूल करे, ये भला उनको कोई जाकर कह सकता है कि आप मुसलमान बनो? ये तो वो मुस्लिम वकील भी जानता है, पर उसने ऐसा कहकर एक बहुत बड़ा तमाचा मारा समस्त हिंदू समाज को। मुसलमानों को हाथ लगाने की किसकी ताकत नहीं, मुस्लिम धर्म गुरुओं को, ये हो रहा है मित्रों। तो सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई अगर है तो वह हिंदू है, लव जिहाद के पीछे, लव जिहाद जो हो रहा है हिंदू ही जिम्मेदार है। और वही उस नायिका ने, उस अभिनेत्री, मतलब वो जो भी वो डायलॉग जो है पिता से वो कह रही है, जो विक्टिम है, उस जो शिकार हुई है लव जिहाद का, उस फिल्म में दिखाया गया है, वो पिता से कहते कि आपने हमें धर्म का ज्ञान नहीं दिया, धर्म शिक्षा नहीं दी, और ये आज जरूरत है। पूज्य बापू जी का एक ऑडियो मैं भी आपको सुना, वो जो लव जिहाद की मैं बात कर रहा हूँ, वो ऑडियो क्लिप आप सुनिए और देखिए कि बापू जी ने कितने लोगों को जगाया, कितने लोगों के जीवन में क्रांति ला दी बापू जी ने, जीवन में एक 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 लोगों को एक नई दिशा दी, सही दिशा दी जो भटक रहे थे उनको। और आज आप बापू जी के आश्रम में चले जाओ, उनके महिला आश्रम में चले जाओ, और वहाँ देखो कि बहने क्या उनके वो वस्त्र, उनकी बोलने की शैली, उनका वो एक ऐसा लगता है कि ये देवी है साक्षात, वो सात्विक भाव उनको देखकर ही ऐसा एक ऐसा लगता है कि ये तो हमारी माँ है, एक मातृभाव आ जाता है। क्या कहूँ, ये बोलते हुए भी मुझे ऐसा एक, मैं अपने भाव का वर्णन नहीं कर सकता, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन आप देखिए कि बापू जी की जो साधिका है, जो सत्संग करती है, सेवा करती है, साधना करती है, कितनी पवित्रता है उनके अंदर, वो उनको देखकर लगता है कि आचरण ऐसा होना चाहिए नारी का। फिर वो चाहे, ये तो समर्पित साधिकाओं की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी कई साधिकाएं जो घर गृहस्थी में रहकर भी ऐसा जीवन जी रहे, साध्वी बनकर जी रही है घर गृहस्थी में, अपने संसार में रहकर, अपने घर में परिवार में रहकर वो साध्वी बनकर जी रही, साध्वी महान नारी, नारी तू नारायणी, ये बापू जी ने उनके अंदर भाव जगाया है कि नारी तू नारायणी है। ये है तो ये बड़ा दुख होता है। चलिए अब और अधिक क्या विस्तार करो, बात सारी हमारी हो गई, हमें सुनना है बापू जी को, बापू जी की अमृतवाणी को हमने यहाँ श्रवण करना है। छोटी सी क्लिप सुनिए कि बापू जी ने लव जिहाद के बारे में कितने
कितने पहले ये बात बापूजी ने कर दी थी, सुनी। आज 4 पैसे के लवर को देखकर हिंदू बच्ची मुसलमान हो जाती, ये हम लोगों की कमी है कि अपनी संस्कृति की महत्ता उसको नहीं बताते। आज 4 पैसे के लवर को देखकर हिंदू बच्ची मुसलमान हो जाती, ये हम लोगों की कमी है कि अपनी संस्कृति की महत्ता उसको नहीं बताते। देखा, द केरला स्टोरी का सबसे महत्वपूर्ण डायलॉग और जो उस फिल्म की शिक्षा है समस्त हिंदू समाज के लिए, बापूजी ने बरसों पहले वो बात कर दी थी, बरसों पहले। आवाज से पता चल रहा है कि कितना पुराना होगा। क्या कहा बापूजी ने कि ये हिंदू संस्कृति की महत्ता हम नहीं बताते तो वो 4 पैसों के लिए हमारी हिंदू बेटियां मुसलमान हो जाती है। ये है लव जी आप मित्रों। चलिए आप कमेंट जरूर कीजिए, आप क्या मेरे विचारों से सहमत हैं? कहेंगे कई लोग इसका भी विरोध करेंगे कि बहन बेटियों के महिलाओं के वस्त्रों पर बोलने का आपका क्या अधिकार है, बोलेंगे। लेकिन आप देखिए अधिकतर फिल्मों में भी तो यही सब, बॉलीवुड तो सब यही परोस रहा है। अब क्या अधिक इस पर बोलूं मैं, बोलना भी अब क्या। चलिए आप अपने विचार जरूर रखिए और बताइए मित्रों कि लव जिहाद को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और जो इतना ये बढ़ गया, इतनी हजारों बहन बेटियां जो हमारी बिछड़ गई अपने माँ बाप से और अपने धर्म से अपने संस्कृति से वो दूर हो गई, तो मित्रों उसमें जिम्मेदार कौन है, आपको क्या लगता है? मैंने मेरे विचार रखे, आप भी अपने विचार जरूर रखिए। हरिओम, जय गुरुदेव।